सरोवर पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सरोवर में पानी गहरा है एवं बड़ी बड़ी शिलाएं भी हैं, अतः सरोवर में नहाना सख्त मना है। तो आपको दिखा देता हूँ बाहर से कुछ इस प्रकार का पूरा सरोवर दिखता है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे अंदर से कैसा दिखता है। प्रवेश करते हैं, जैसे सकते आपको बाहर इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ये सब मंदिर जो आपको अंदर देखने को मिलेंगे, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर आप मथुरा आते हैं और छोटी परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम सीन, जिसका नाम है मानसरोवर। यहाँ पर जो है बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई, जैसे कि लुक्का छुपी और ड्रीम गर्ल 2 प्रकार का पूरा दिखाई देता है कृष्ण सरोवर। देख सकते हैं सामने छतरी वगैरह बनी हुई हैं और यहाँ पर जो लोग बाग खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है ऐसे ही पिल्लरों में जो है आयुष्मान खुराना और उनकी हीरोइन वगैरह की जो है शूटिंग की गई है एक मुलाकात गाने की, जहाँ पर ये सारे पिल्लर जो दिख रहे हैं सब में जो है यहाँ पर गुलाब वगैरह बिछा दिए जाते हैं और उनको शूटिंग की गई है। और ऐसे ही जो है लुक्का छुपी फिल्म देखा आपने देखी होगी, उसमें भी जो है यहाँ का सीन लिया गया है। तो कैसा लगा आपको ये पूरा हमारा शॉर्ट वीडियो और ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ यहाँ से देख सकते हैं आप एंट्री गेट है, और जैसे ही आप एंट्री करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये पूरे पिलर्स वगैरह। और यहाँ पे जो पानी भरा है दोस्तों, इसकी गहराई का कोई पता नहीं है। यहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह नई लगी है, उस समय जब गाने की या मूवी शूटिंग हो रही थी उस समय ये नहीं थी। और जब यह जो है रात में चालू किया जाता है, शाम को चालू किया जाता है, और यहाँ पर जो लाइटिंग शो वगैरह चालू किए गए हैं, और जब छतरी वगैरह देख रहे हैं यहाँ पर पूरी लाइटिंग लगा दी जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आप जब कभी रात में आते हैं परिक्रमा करते हैं रात में, तो आप रात में यहाँ शाम को यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पर राधा कुंड के बाद कोई दूसरी फेमस जगह है तो वह जगह यह है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अक्सर यहाँ पर जो मूवी वगैरह की शूटिंग होती रहती है, जैसा कि हमने बताया आपको लुक्का छुपी मूवी, ड्रीम गर्ल मूवी और कुल मूवी जो है, जैसे कि अक्षय कुमार की एक टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आई थी, वह मूवी जो यहाँ पर फिल्माई गई है इसके आसपास ही एरियो में फिल्माई गई है। बहुत सारे सीन जो है मथुरा वृंदावन और गोवर्धन के लिए गए हैं। तो दोस्तों यह है वो जगह जहाँ पर कैमरा वगैरह उसको जो है एडजस्ट किया गया था, और इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का पूरा दिखाई देता है। यहाँ पर जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से आता था पूरा जो है गुलाब के फूल वगैरह बिछाए गए थे, और ये जगह जो दिख रही है आपको, इस जगह में पूरा यहाँ पर जो पूरा गुलाब वगैरह बिछाए गए थे और यहाँ पर हीरोइन को खड़ा किया गया था, और उसके बाद पूरा जो यहाँ का शूट लिया गया था। और आप जो पानी देख रहे हैं ना, यह पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, इसकी गहराई का अभी तक किसी को पता नहीं है, और यहाँ पर नहाना सख्त मना है। अगर आप धोखे से यहाँ पर गिरते हैं तो आपका बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कोई बचाने वाला आपको आएगा नहीं। और यहाँ पे पानी जो है देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे छोटे छोटे बहुत छेद दिए गए हैं, उसके से एक से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, और ऊपर पूरी छतरी है जो कि अक्सर बंद रहती है लेकिन अभी खोल दिया गया है। और यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह भी चालू कर दी गई है, यहाँ पे फुहारे लगे हैं और यहाँ पर लाइटिंग शो वगैरह चलता है शाम को। अगर आप शाम को आएंगे यहाँ पर तो आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह वही सीन है, वही जगह है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर जो गाने वगैरह शूट होते हैं अक्सर, वो बहुत ही प्यारा सीन आता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी जाके देख सकते हैं उस गाने को, उस मूवी को, जो आपको पहचान में आ जाएगा कि यही सीन था। तो चलिए यह है पूरी छतरी जो कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे जो शूटिंग वगैरह होती रहती है अक्सर और लोग वगैरह आते रहते हैं। कैसा लगा आपको हमारा शॉर्ट वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा।